अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यह है कि इलेक्ट्रिक की जो है नेप्रा ने 6 महीने की तौसी कर दी उनके लाइसेंस की, उनका लाइसेंस रिन्यू कर दिया 6 महीने के लिए। लेकिन मुझे ये पूछना है कि 6 महीने के लिए लाइसेंस रिन्यू किया तो नेप्रा ने अपनी क्या शर्तें रखी जिससे आवाम को रिलीफ मिलता? क्या उन्होंने ओवर बिलिंग पर पाबंदी लगा दी है नेप्रा ने कि इलेक्ट्रिक ने इसको मंजूर कर लिया 6 महीने के लिए? क्या के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है पीक आवर्स के लिए पाबंदी लगा दी है नेप्रा ने? क्या उसको के इलेक्ट्रिक ने अप्रूव कर लिया है, उसको मंजूर कर लिया है के इलेक्ट्रिक ने? क्या यूनिट के रेट जो है 100 यूनिट के बाद 200 यूनिट का रेट कुछ और होगा और 300 यूनिट का रेट कुछ और होगा, उस पर पाबंदी लगा दी है नेप्रा ने? क्या के इलेक्ट्रिक ने इसको मंजूर कर लिया है? मेरे ख्याल से तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 6 महीने की तौसी इनको दी क्यों गई है। भाई अभी तो हमें बिजली चाहिए, हमें बिजली मिल रही है, लेकिन लोड शेडिंग भी बेतहाशा मिल रही है। क्या नेप्रा ने इस चीज़ पे पाबंदी लगाई होगी कि इलेक्ट्रिक के ऊपर कि भाई आप गैर ऐलानिया लोड शेडिंग कराची के किसी भी इलाके में नहीं करेंगे, चाहे वहाँ से बिल हाई लॉस में रिकवरी नहीं हो रही हो या ना हो रहा हो, चाहे वहाँ पर हाई लॉस आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन नेप्रा ने ऐसी कोई पाबंदी तो लगाई नहीं होगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनका 6 महीने के लिए लाइसेंस में तौसी क्यों की गई है। 6 महीने के लाइसेंस की तौसी से आवाम का क्या फ़ायदा है? आवाम को किस मुश्किलात, किस कर्ब से गुजरना पड़ रहा है? क्या नेप्रा वालों को ये मालूम होगा, ये इसकी तौसी करने वालों को मालूम होगा? आज जब उनके यानी कि उनका लाइसेंस का टाइम ख़त्म हो चुका है तो उनका लाइसेंस रद्द करके उनको फारिग कर देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। नेप्रा ने उनके यानी कि लाइसेंस में तौसी कर दी है, 6 महीने की तौसी कर दी है और 6 महीने तक उनकी अगली समाप्त तक ये जो है जारी रहेगा। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। भाई 100 यूनिट का रेट कुछ और है, 200 यूनिट जल जाए तो उसका रेट कुछ और है, 300 यूनिट जल जाए तो उसका रेट कुछ और है। अबे भाई इस तरह तो आवाम तो पिस रही है, आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? ना ओवर बिलिंग उनके लिए ख़त्म की जा रही है, ना उनका पीक आवर्स ख़त्म किए जा रहे हैं, ना उनके गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ख़त्म की जा रही है। भाई सब कुछ तो आवाम का नुकसान है, बिजली का बिल भी आवाम भर रही है, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा कि आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक से। मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। भाई मैं तो इसी वजह से ये वीडियो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हमें तो नुकसान हो रहा है, नेप्रा वालों से भी गुजारिश है कि भाई आवाम की भी कुछ फिक्र कर लीजिए। आज महंगाई का दौर है, आज मैं आपको बताता हूँ एक मज़दूर की तनख्वाह $1,000 के मालियत के बराबर नहीं है पाकिस्तानी करेंसी में। आज मज़दूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर की मालियत के नहीं है मज़दूर की तनख्वाह। आवाम तो पिस रही है, क्या 32,000 रुपये में नेप्रा के जो DG साहब हैं वो अपने घर के अखराजात 32,000 रुपये में पूरे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ नेप्रा के DG साहब से रिक्वेस्ट है सर कि यानी कि या तो फिर के इलेक्ट्रिक के ऊपर यानी कि जो ओवर बिलिंग ख़त्म कराई जाए, के इलेक्ट्रिक का 100 200 300 400 यूनिट का अलग अलग जो रेशो है बिल का वो ख़त्म किया जाए, और क्या बोलते हैं गैर ऐलानिया लोड शेडिंग कराची से ख़त्म किया जाए, तो फिर उसके बाद जो है मैं मानूंगा कि आपने जो है बहुत बड़ा काम किया। या तो फिर जो है मज़दूर की तनख्वाह जो 32,000 रुपये लगाई गई है उसकी $1,000 की मालियत के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी में उसकी तनख्वाह करा दें, और या तो फिर जो है जो 1 तोला सोना है उसकी जो कीमत है पाकिस्तान में, मज़दूर की तनख्वाह या तो 1 तोला सोने के मालियत के बराबर करा दें। भाई मेरा तो प्रोटेस्ट है और मैं ख़ुद भी जो है इस महंगाई के बोझ तले दब रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का बिल हम लोग 8-8, 9-9 हज़ार रुपये भरते हैं और हमें समझ में नहीं आता है लाइट कहाँ होती है नॉर्थ कराची के अंदर, हमारे इलाके में लाइट कहाँ होती है और कितनी लाइट होती है। कभी फजर में लाइट जारी होती है यहाँ पे, कभी रात को 1 बजे लाइट जारी होती है, कभी 10 बजे के बाद जारी होती है लाइट। भाई सुबह हमें ऑफिस भी जाना है और हमें जो है अपने घर के अखराजात भी देखने हैं, तो भाई 30,000 के करीब तो मेरे घर के राशन वगैरह का 35,000 रुपये का तो खर्चा है कम से कम। अब आप मुझे बताएँ कि 50,000 रुपये की तनख्वाह वाला ये बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, पानी का बिल भरेगा और राशन के अखराजात उठाएगा या जो है क्या बोलते हैं घर चलाएगा, मुझे इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। अगर वो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला बंदा अगर किराए के घर में रहता है तो भाई फिर वो उसका तो अल्लाह ताला पूरा करा रहा है, कैसे भी करा रहा है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या ये इंसानी खिदमत का हिस्सा है कि ओवर बिलिंग भेजना? क्या ये इंसानी खिदमत का हिस्सा है
कि 100 यूनिट का रेट कुछ और है और 200 यूनिट का रेट कुछ और है, 300 यूनिट का रेट कुछ और है। आपका 101 यूनिट होता है तो उसका रेट कुछ और हो जाता है, वो 100 के 100 यूनिट का रेट, 101 यूनिट का रेट कुछ हो जाता है। अगर 201 यूनिट आपके पास आ गए तो वो एक यूनिट की वजह से जो है वो 201 यूनिट का रेट ही कुछ और हो जाता है। क्या ये इंसानी खिदमत का हिस्सा है? क्या ये गैर एलानिया लोड शेडिंग, और ये लोड शेडिंग जिस तरीके से होती है यहाँ पर, क्या ये इंसानी खिदमत का हिस्सा है? मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा प्लीज़। और नेपरा के हुकाम से तो गुजारिश है कि ये मैं वीडियो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तो महंगाई के बोझ तले बहुत ज़ोर से दब रहा हूँ, और अल्लाह ताला ही हमारा गुजारा करवा रहा है, अल्लाह ताला आगे भी गुजारा कराएंगे इंशाल्लाह। तो बस आपसे अपील है कि के इलेक्ट्रिक को इस तरह से अगर आप तौसी देते जाएंगे तो फिर हम मुसलमानों का क्या होगा, हम जो यहाँ के पाकिस्तानी शहरियों का क्या होगा, हम किस तरीके से यहाँ गुजारा कर सकेंगे, क्योंकि ये हमारा खून निचोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि गरीब का खून सस्ता हो गया है और जो है मेहनत बहुत सस्ती हो गई है, अमीर का जो है ना, यानी कि के इलेक्ट्रिक वालों का तो खून ही सफ़ेद है, लाल तो है ही उनका। मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और इस अवेयरनेस के मैसेज को जो है आगे से आगे बढ़ाइएगा, ताकि मैं चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक के हुकाम तक पहुँचे और नेपरा के हुकाम तक पहुँचे, डीजी साहब तक पहुँचे नेपरा के, ताकि वो ओवर बिलिंग को ख़त्म करवाएँ और 100, 200, 300 यूनिट का जो रेट अलग अलग हो जाता है उसको ख़त्म करवाएँ और पीक आवर्स को ख़त्म करवाएं। क्या ये शर्त रखी हुई होंगी हमारे लिए? नहीं रखी गई होंगी। मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।